ओह, ये काफी मुश्किल दिन था। मैं घर जाकर स्नैक्स खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। जैसे थोड़ा दही वहाँ फ्रिज में छुपा हुआ है, मेरी मनपसंद दही। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बस तुम इंतजार करो। सैली आखिरकार घर पहुँच ही गई। स्वादिष्ट खाना बस कुछ ही कदम दूर है। जल्दी करो, किचन में चलते हैं। इधर आओ मेरी कीमती दही। क्या, दही कहाँ है? गुना एक सेकंड में सॉल्व हो गया। ये रहा गुनहगार, वहाँ बैठकर दही खा रहा है। ईवोल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरा दही है। सैली बहुत उदास है, वो अपनी दही के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और फिर ये हो जाता है। तुम भी खाओ बेब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एमिली लगभग पार्टी के लिए तैयार है। उसने एक फैंसी ड्रेस चुनी है, उसे बस इसके साथ सही शूज ढूंढने होंगे। ये ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा डार्क है, और ये चमकदार और शाइनी है। लगता है अब समय है मैं उस छिपे हुए जगह से अपना कीमती खजाना निकालूं। ये रहा वो। वाओ, शानदार हीर जो चमकती है। वाह, एमिली ने इन्हें काफी महीनों से संभाल कर रखा है। जाने का समय है, इन शूज में पक्का उसकी शाम अच्छी होने वाली है। पर मौसम को ये मंजूर नहीं है। सच में क्या बर्फ गिर रही है? ये कुछ मिनट पहले तो ऐसा नहीं था। क्या मुसीबत है, ये शानदार शूज अब उसके पैरों के लिए असली चैलेंज बन गए हैं। तो क्या खूबसूरती दर्द भी देती है। बाथरूम की लाइन में होना सबसे बेकार जगह है। ईवर, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? बाहर आओ। ठीक है ठीक है, इतनी मतलबी मत बनो, मैंने बस एक शावर लिया है। पर क्या सैली अब बबल बाथ में रिलैक्स कर पाएगी? ईवर्ल्ड के बाद लगता है यहाँ एक तूफान आया था। यहाँ इतना पानी क्यों है, और ये फ्लोर पर क्या कर रहा है? सैली तो गुस्से से फटने वाली है। ईवर्ल्ड, अब सैली उसे सिखाने वाली है कि अपने बाद बाथरूम को कैसे साफ करते हैं। वो ईवर्ल्ड को फ्लोर मॉप की तरह इस्तेमाल करना पसंद करेंगी। सैली बहुत गुस्से में है, जो जायज भी है। शायद अपने बॉयफ्रेंड से फ्लोर को पोछा लगाना ज्यादा हो जाएगा, और वो अभी भी मुश्किल में है। ईवर्ल्ड को पता होना चाहिए कि उसने उसे कितना परेशान किया है। तुम्हें साफ करना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। एमिली एक डेट पर जा रही है, थोड़ी लिपस्टिक से शुरू करते हैं। बढ़िया, और अब थोड़ा लाइनर, पतला और साफ, पर एक साइड थोड़ी मोटी लग रही है। कोई बड़ी बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। ओ नहीं, ये काफी सारा आईलाइनर हो गया। दूसरे एरो को भी थोड़ा टचअप चाहिए। कुछ गलत हो गया, उसने बस कुछ स्ट्रोक्स ही लगाए थे, पर ये सब कहाँ से आ गए? यिक्स, ओह, कैंडी उसकी आखिरी उम्मीद है। शायद थोड़ा मीठा खाने से उसे शांति मिले। ओह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर लिपस्टिक ना लगाई जाए तो कैसा होगा? अब यहाँ बिल्कुल कुछ फैलाने को नहीं है। मेरा आज का मेकअप हो गया। कुछ भी इस डेट को खराब नहीं कर सकता। हमारा पसंदीदा कैफे, थोड़ी अच्छी चाय, एक अच्छी बातचीत, कितना रोमांटिक पल है। और अब एक किस होने वाली है, पर लगता है ईवल डैड उसके लिए तैयार नहीं है। उसके चेहरे की दाढ़ी साली को बहुत गुस्सा दिला रही है। उसके नर्व्स और उसकी स्किन। खैर ईवल, तुम बस इंतजार करो, सैली उसे अच्छा और सॉफ्ट बनाने वाली है। अच्छी बात है कि उसके पर्स में सही टूल है। दो सेकंड के बाद दाढ़ी गायब है। उसे पकड़े रखना सबसे जरूरी था, ताकि वो भाग ना जाए। वहाँ मौजूद हर लड़की के लिए एक अच्छी टिप है। शुक्रिया स्वीट हार्ट, ये ज्यादा बेहतर है। अब हम किस कर सकते हैं? मिस एमिली अपना लेसन शुरू कर रही है। मैं सोच रही हूँ क्या कोई ऐसी चीज होगी जो उसे बहुत गुस्सा दिला सकती है। खैर चलो देखते हैं। थॉमस जल्दी देखो। वाह कितना फनी है, ये कैसा शोर है। नोट्स लिखो, इधर उधर ध्यान मत दो। पर स्टूडेंट्स हंसी रोक नहीं पा रहे। मिस एमिली की क्लास काफी समय से इतनी मजेदार नहीं थी। क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या बात है? एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करेगी। मिस एमिली, आपकी ड्रेस ठीक नहीं है। उप्स, ये शर्मनाक है। बस शांत रहो, चिंता मत करो, मेरी स्कर्ट अटक गई थी। चलो क्लास में वापस शुरू करते हैं। क्या तुम सवालों के जवाब देते हुए सबके सामने हंसना चाहोगे? एक पासपोर्ट फोटो जरूरी चीज है। साली फोटोशूट के लिए अच्छे से तैयार हुई है। उसने अपना मेकअप किया और अपनी बाल स्टाइल किए। मैं बस अच्छी दिखना चाहती हूँ। ठीक है हम शुरू कर सकते हैं। रुको बस कुछ और चीजें, अपने बालों को एक और बार ब्रश करने में कुछ गलत नहीं है। चलो ठीक है, फोटोग्राफर को थोड़ा सब्र करना होगा।
सैली ने अपने लिपस्टिक का भी टचअप करने का सोचा। मैं अपने लिप्स और शाइनी कर लूंगी, इससे पिक्चर और बेहतर आएगी। सैली को जल्द करना चाहिए क्योंकि फोटोग्राफर पहले ही सोने लगा है। ठीक है, अब फिर से ठीक करते हैं। हो गया, हम फोटोशूट शुरू कर सकते हैं। उसने बहुत तैयारी की पर एक मिनट में ही खत्म हो गया। स्क्रीन पर सब कुछ अच्छा लगता है, हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। मैं पिक्चर्स देखने के लिए और नहीं रुक सकती। सैली फोटो में शायद अच्छी दिखे पर सच्चाई हमेशा आपकी उम्मीद जितनी अच्छी नहीं होती। हे, मैं इतनी बुरी क्यों दिखती हूँ? मैंने तुम्हें कहा था ध्यान रखना कि तस्वीर अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं एक ऐसे पासपोर्ट को लेकर घूमूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं कल वापस आऊंगी। एक अच्छे स्टाइलिस्ट के हाथों कर्लिंग आयरन कमाल कर सकती है। ये बहुत प्यारा है ना? बाल बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है पर रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। बस थोड़े से फिनिशिंग टचेस और तुम जाने के लिए तैयार हो। पर आज भगवान ने तय किया कि एमिली को कर्ल्स की जरूरत नहीं है। मौसम बिल्कुल खराब हो गया, वहाँ बर्फ गिरने लगी, बारिश होने लगी और तेज हवा चलने लगी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ओह, मेरे बाल एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, क्या मुसीबत है। पर तुम कर भी क्या सकती हो, ये अभी भी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा अलग सा। सुबह अच्छी नहीं लगती अगर आप कपड़े न चुन पाए। क्लासिक। खैर, मैं इसमें से कुछ पहन सकती हूँ, शायद ये वाइट शर्ट, पर मुझे काफी समय पहले ही छोटी हो गई थी। ये बहुत टाइट है। चलो कुछ और देखते हैं। शर्ट कैसी रहेगी? ये इतनी बुरी नहीं दिखती। पर नहीं, ये शर्ट पहले सही हुआ करती थी। इसका एक जरूरी हिस्सा गायब है, ये नहीं चलेगी। और सैली ने ये ड्रेस काफी समय से ट्राई नहीं की, शायद ये इसे पहनने का समय है। नहीं, माफ करना, मैं ये बेकार सी चीज कैसे खरीद सकती हूँ? ये बहुत बुरी दिखती है। अब बस बहुत हुआ, इस तरह तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरे हाथ में जो आएगा मुझे वही पहनना होगा। और जो मिलना था वो मिल गया। लगता है अब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी चाहिए। आप कभी अपनी टाइट्स पर भरोसा नहीं कर सकते, ये हमेशा सबसे बेकार समय ही पड़ती है। एमिली की किस्मत आज अच्छी नहीं है, ये पैर भी बिल्कुल बाकियों की तरह है, ये तुरंत फट गई। उसे दूसरा पैर लेना होगा, उसके पास समय कम है। क्या ये आज उसे दूसरी बार हुआ है? क्या मुसीबत है। ठीक है, थोड़ा आराम से कम टाइट का एक पैर तो ठीक होना चाहिए। एक और भी फट गई। एक आखिरी पैर बचा है और ये पैंटी होज ठीक फिट हो गई, कहीं से फटी और खराब भी नहीं है। ओह, बढ़िया है, अब मैं जा सकती हूँ। ओप्स, तुम शीशे को बुद्धू नहीं बना सकते, माफ करना, पर मुझे लगता है कि फटी हुई टाइट्स आजकल फैशन में है। ओह, ये चलेगी। जिम में कोई भी चीज अनोइंग कैसे हो सकती है? वहाँ तो माहौल अच्छा होता है और हर कोई वहाँ शेप में आने के लिए आता है। पर आज सैली का वर्कआउट अच्छे से नहीं हो रहा, उसके बाल बीच में आ रहे हैं, वो उसके नाक और मुंह में जा रहे हैं। क्या मुसीबत है, अब खत्म करना होगा वरना वो पागल हो जाएगी। पर वो ट्रेडमिल पर भी ठीक से भाग नहीं पा रही, वो उनको काटने को तैयार है। पर उसे एक बेहतर आइडिया आया, अगर आपके पास एक असली हेयर बैंड नहीं है तो एक सॉक्स काम आएगी। ये एक अजीब आइडिया तो है पर ये काम करता है और ये अच्छा है। हेलो, एमिली को लेट होना पसंद नहीं है पर आज वो परेशानी में है, उसके शूज बहुत अनकंफर्टेबल है, वो मुश्किल से कैफे आ पाई। लाइफ इतनी बेकार क्यों है? सुंदर शूज अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्या सब कुछ ठीक है एमिली? लगता है पार्क में रोमांटिक वॉक नहीं हो पाएगी, वो इन ब्लिस्टर्स के साथ नहीं चल सकती। मार्टिन बहुत अच्छा है, वो एक असली जेंटलमैन है। क्या तुम मुझे अपने शूज दे रहे हो? हाँ, अगर हम बदल लें तो कैसा रहेगा? तुम बहुत अच्छे हो, वो बहुत ही अच्छा है। और अब वो अपनी वॉक पर जा सकते हैं, उम्मीद है इसकी हैप्पी एंडिंग हो। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? इनमें से कौन सी सिचुएशन ने आपको ज्यादा इरिटेट किया, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर नए मजेदार स्केचेस मिस ना करें।